देखिए, माँ पार्वती का प्यार गन्नू भैया के लिए हर कोई जानता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैया ने कभी गन्नू भैया को डांटा नहीं होगा। जरूर डांटा होगा, इतनी शरारते करते थे कि डांट तो पड़ती ही होगी, लेकिन छोटे पर्दे पर तो डांट का कोई सिलसिला ही नहीं है। यहाँ पर तो धुलाई होती है और लीजिए, हो रही है दे दनादन गठबंधन में भी धुलाई। के लिए रघु की दीवानगी का खुमार रघु के सर पर कुछ इस तरह चढ़ा है कि माई ने आज उसको एक करारा थप्पड़ जड़ दिया है। रघु के सामने ही बंदूक तान कर आज माई ने रघु को खूब सुनाया है। फटे हुए कपड़े, चेहरे पर चोट और दिल में दर्द के साथ रघु दरअसल पुलिस चौकी से लौटा है। वो गया तो था धनक के लिए कुछ करने, पर पुलिस वालों ने उसे खूब पीटा और यहाँ चौल में आकर माई ने माई हमेशा से अपने बेटे के लिए बहुत पजेसिव रही है और उसके लिए जीने का एक ही मकसद है रघु। अब ये हो गया कि फिर से रघु ने जाके खाकी लोग से पंगा ले लिया और बदले में उसको बहुत मार पड़ी है, तो ये कोई भी माँ सहन नहीं कर पाएगी। और ये तो सावित्री है जो अपने बेटे की बेटे के साथ बेटे को इतना प्यार करती है, तो वो कैसे सहन करेगी। माई की डांट के पीछे रघु के लिए फिकर है और धनक को रघु की ये चोट बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपके लिए ही तो रघु ने ये सब किया है, पर ये बात अलग है कि उनकी ये कोशिश उल्टी पड़ गई है। रघु धनक के लिए कुछ भी कर सकता है और जैसे जैसे उनका साथ उनका वक्त जो बीता है उसके साथ साथ रघु को बहुत ज़्यादा एक अंडरस्टैंडिंग आ गई है धनक के लिए और एक प्यार का जो डेफिनेशन है बहुत वो पूरा चेंज हो गया और अभी वो अपनी धनक के लिए कुछ भी कर सकता है। माई की नाराजगी और उनका गुस्सा रघु दोनों समझ रहा है, लेकिन अभी रघु और धनक के सामने सबसे बड़ी चुनौती है धनक की बेगुनाही, जो माई के रहते हुए इतनी आसानी से साबित नहीं होगी। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।